बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमारा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर एंड 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन द कॉम्बिनेशन। कैलकुलेट आवरिक स्टेट यूजिंग फार्मूला स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग फोर्थ एक्सटेंशन इन द कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ यूजिंग आंसर इन पार्ट फोर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहले तो ये है कि दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। सपोज अगर ये दो स्प्रिंग्स को मैं सीरीज में लगाऊँ, ये पहला स्प्रिंग है के वन, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और ये दूसरा स्प्रिंग, चलो मैं रेड पेन से ले रहा हूँ, समझ आए आप लोगों को, ये दूसरा स्प्रिंग K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 60 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो एज अ कॉम्बिनेशन ये एक होगा स्प्रिंग, एज अ कॉम्बिनेशन। तो देखना ये कि एज अ कॉम्बिनेशन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K क्या है, फर्स्ट पार्ट। अब जब सीरीज में है तो इसका फार्मूला होता है 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। आपको बच्चों को सीरीज में रेजिस्टेंस तो याद होता है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस के ये उल्टा होता है, यानी जो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला होता है उस तरह ये हो जाता है। तो 1/K 1/K1 हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60, 60 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3/60 यानी 1/20। तो के हमारा आ जाएगा 20, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर। ये आंसर, यानी आप देखें मैंने सेंटीमीटर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर्स कर सकते थे लेकिन इट्स ओके। अच्छा, उसके बाद है फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग में फोर्स लगाया जा रहा है, कह रहा है कि कॉम्बिनेशन पे 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जब इस पे तो सब पे दोनों सब पे वही फोर्स लगेगा, तो सेकंड स्टेट हम करेंगे सब 120 न्यूटन, दूसरे पे भी 120 न्यूटन, ऐसे कह सकते हैं आप। फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, फिर एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग। अब हर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के तो दिया हुआ है, एक्सटेंशन मालूम करें आप, सब पे ये लगाया 3 इक्वल पहले E1 होगा F1/K1, तो इसके फोर्स तो 120 है और इसका K1 है 30, ये 30 है, 30 न्यूटन पर सेंटीमीटर 30, तो ये आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर इसी तरह E2 जो है वो होगा F2/K2, F2 तो 120 हो जाएगा, K2 60 है, तो ये हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। पार्ट फोर्थ कहता है एक्सटेंशन इन कॉम्बिनेशन। तो एक्सटेंशन कॉम्बिनेशन देखें, दोनों को ऐड कर दें बात खत्म। तो फोर्थ एक्सटेंशन कॉम्बिनेशन जो होगी वो होगी E1 + E2, तो ये आ जाएगा 4 + 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिफ्थ कहता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें, तो अगेन F इज इक्वल टू KE है, इसने कहा कि स्प्रिंग कांस्टेंट हम एक तरह से करके आए, इस मेथड से तो करके आए हैं, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट जो आया है देखें वही आएगा इसमें भी, आंसर इसका आया था 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, और इस तरीके से भी 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर ही आएगा। देखें 4 से 120 के हमें चाहिए, और ई हमारा आया है 6, तो के आ जाएगा 120/6, तो यही 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ जब ये सीरीज में होते हैं। तो याद रखें जब सीरीज में होते हैं तो इनका 1/K = 1/K1 + 1/K2 होता है। नंबर वन, फोर्सेस सबके सेम लगते हैं और एक्सटेंशन सबकी डिफरेंट होती है।